आप भी कहीं पर सप्रेस हो रहे होगे, कहीं पर किसी को सप्रेस कर रहे होगे। ध्यान से अगर आप देखोगे अपने से जो पावरफुल है उसके आगे ऐसे झुक करके बैठे होगे और जो आपसे कमजोर है उसको दबा रहे होगे। तो हर लहर को अपनी ही पड़ी है। अब अगर इस पूरे लड़ाई के मैदान में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से क्या है अगर एक लड़ाई का मैदान नहीं है तो क्या किसी को इसकी पड़ी है कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया जिसका नहीं हुआ उसकी वजह से? उसको इसकी नहीं पड़ी, वो खुश हो रहा है क्योंकि मेरा हो गया, लाखों का नहीं हुआ, अरे बाढ़ में जाए ना, मुझे उससे क्या मतलब है। ऐसी ही है ना दुनिया। तो चारों तरफ अगर आप आंख खोल करके लोगों को देखोगे सब दुखी है। बार बार से दिखा सकते हैं कि हम हंस रहे हैं, ये कर रहे हो, अंदर से सब दुखी है। क्योंकि इस तरह के एनवायरमेंट में कोई खुश कैसे हो सकता है? और मजे की बात पता है ये लड़ाई खतरनाक क्यों है? क्योंकि एक तो है कि एक्चुअल में कहीं लड़ाई हो रही है, मानो बॉर्डर पे हो रही है, जहां पे आपके भी हाथ में गन है और सामने वाले के भी हाथ में गन है, अब मारो एक दूसरे को। ये लड़ाई बहुत खतरनाक है जो यहां पर हो रही है। किसी के हाथ में गन नहीं है, सबके हाथ में फ्लावर्स है। हर कोई आपको ये दिखा रहा है, अरे मेरे से ज्यादा तो आपका अपना कोई है ही नहीं। ये बड़ी खतरनाक लड़ाई है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन है। एटलीस्ट वहां पे पता तो है ना लड़ाई के मैदान में कि ये मेरा दुश्मन है, चलो मुझे इसको मारना है, इनको नहीं मारना है। यहां आपको पता ही नहीं है, हो सकता है आपके दुश्मन आपके घर में बैठे हैं, आपके ऊपर चारों तरफ से अटैक होते रहेंगे, आपके बच्चों के ऊपर भी अटैक होते रहेंगे। अटैक ऑफ नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम बिग क्राइम और व्हाटएवर, अटैक बहुत तरह के होते हैं। स्कूल में ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, आपका बच्चा अकेला पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से सारे बच्चे इकट्ठे होकर के उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्या ये अटैक नहीं है? अपने ग्रुप से उसने उसको निकाल दिया है, क्या ये अटैक नहीं है? तो क्या ये अटैक्स होने कभी बंद होंगे? इम्पॉसिबल। तो इस दुनिया में आपको अपने आप को पावरफुल बनाना ही पड़ेगा। पावरफुल इन द सेंस कि आपको समझ होनी चाहिए इस लाइफ की, इस समुद्र की। लेकिन क्या हम अपना पूरा टाइम अपने आप को एक परफेक्ट वॉरियर बनाने में लगाते हैं या टाइम पास करते रहते हैं? टाइम पास क्या है? कुछ भी ऐसा जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ और कम हो रही है, यानी वो सारे प्लेजर्स जिसमें आप इंडल्ज हो जाते हो, खाना, टेलीविजन, मोबाइल फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। यूट्यूब पे स्पेशली एक चैनल है जिसका नाम है संदीप महेश्वरी। एक कहावत सुनी है, 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। वही हालत है आप लोगों की। हाँ, पूरी दुनिया में टाइम पास करने के बाद में मेरी एक वीडियो देख लेते हैं 10 मिनट की और बोलते हैं देखो जी हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे। सो हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ से? क्या हम एक कमाल के वॉरियर बनना चाहते हैं? क्या हम अपना पूरा टाइम इसमें लगा रहे हैं, पूरी एनर्जी इसमें लगा रहे हैं सुबह से रात तक, या हम बस प्लेजर्स के पीछे भागते रहते हैं? दोस्तों के साथ में आउटिंग, यहां घूमना वहां घूमना, हॉलीडेज, अरे बड़ा स्ट्रेस है काम का, चल यार हॉलीडे पे जाता हूँ, चल एक दो लगा लेता हूँ, ये सब एस्केप्स हैं।